मैं हूँ चित्रांशी और आज तीन ताल को हम लोग गिटार पर कैसे बजा सकते हैं इसको हम बताने की कोशिश करेंगे आपको। दोस्तों तीन ताल जो होता है ये 16 मात्रे का होता है, तो इसकी बोल आप पहले दिमाग में बसा लीजिएगा। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। तो ये जो हम काउंटिंग कर रहे हैं ये भी आपको आनी चाहिए तो ज्यादा बेटर आप गिटार पर कर पाएंगे। लाइक ये वेटेड पॉइंट होते हैं, लाइक पहला सम जो होता है धा, तो ये धा थोड़ा सा आपको तेज मारना है। धा धिन धिन धा, अगेन धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता एंड ता धिन धिन धा। अब इसकी बोल देखिए तबले पर कैसे चलती है। धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन ता, ता धिन धिन धा, धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन ता, ता। इसको चार सेक्शन में आप बांट लीजिए। कैसे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा देखेंगे वो धा ता दो बोल आ रही है, धिन और तिन। तो जो धा और धिन की बोल है ये आप बेस स्ट्रिंग से लीजिएगा और ता और तिन की ये आप 1 2 3 से लीजिएगा। देखिए फिर से धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन ता, धा धिन धिन धा। बजाइए तो ज्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा। कैसे? दिन दिन दा दा, 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 दिन दिन दा दा। रजा खानी गत को हम लोग गिटार पर या किसी तंत्र वाद्य में बजाते हैं उसमें ज्यादा यूज होता है। लाइट म्यूजिक फिल्मी दुनिया में ये कम यूज हुआ है। दिमाग में बैठाइएगा तभी ये क्लियर आ पाएगा।
दोस्तों ये तीन ताल का लेसन था, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। बोलिएगा जरूर, तालों को जब आप बोलेंगे तो एग्जैक्ट वही चीज आप गिटार से निकाल पाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।